हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है रेडमी नोट 7, जिसमें कि प्रॉब्लम है डेड है फ़ोन जो है वो वाटर लॉग्स है और मेरे पास जो है वो एक शॉपकीपर के थ्रू आया है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ कंडीशन है कि फ़ोन रिपेयर होगा या नहीं। तो चार्जिंग लगाने के बाद भी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर DC से ऑन करने के बाद जो है वो डायरेक्ट एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है। तो डायरेक्ट एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है तो इट मीन कि सीधा सा जो प्रॉब्लम होगा वो VBAT में होगा, ठीक है। अब VBAT में प्रॉब्लम होगा या नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। तो फटाफट से जो है वो यहाँ पे ये डायरेक्ट एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है, 120 के आसपास का एम्पेयर शो कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना पॉजिटिव निगेटिव मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरा केबल न्यू है, इसलिए जो है वो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। अब बोर्ड जो है बोर्ड की कंडीशन को देखेंगे कि क्या कंडीशन है, कितना काम हुआ है। तो देखो, किसी ने बोर्ड को थोड़ा बहुत ओपन किया, यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्क्रैच किया हुआ है और वाटर लॉग्स तो काफ़ी है। तो ये फ़ोन जो है वो बनाने का कुछ मतलब है नहीं गाइस, क्योंकि जो है ना शॉर्टिंग यहाँ पे है या नहीं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी ने काम किया है। तो यहाँ पर बिट मैप के थ्रू जो है ना चेक कर रहे हैं, VBAT की डायरेक्ट कोई सप्लाई वहाँ पर जा रही है तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बिट मैप के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कोई भी सप्लाई VBAT की जा रही हो, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे है वो, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब पॉइंट जो है जहाँ पे शॉर्टिंग मतलब स्क्रैच किया हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। और गर्म भी हल्का सा वहीं पे हो रहा था जब ये 120 एम्पेयर का कंजप्शन कर रहा था, 120 मिली एम्पेयर मतलब 0.120 एम्पेयर का, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तो VBAT की कोई सप्लाई दिख नहीं रही है और डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है फ़ोन, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ये एक्चुअल में मैं वहाँ पे देख रहा था कि कोई VBAT की वोल्टेज वहाँ पे लाइन दिख जाए, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। तो मे बी हो सकता है सेकेंड लेयर थर्ड लेयर में कोई प्रॉब्लम हो, जिसके बाद जो है ना वो देखने को। देखो कंडीशन देखो आप, ये जो बैक ये IC में भी VBAT नहीं जा रहा, और यहाँ पे हीट देखो आप कितना तेज़ी से होने लगा। जैसे मैंने थोड़ा सा छेड़ा छाड़ा ना उसको, तो वो काफ़ी तेज़ी से हीट हो रहा है, इतना तेज़ी से स्पार्क कर रहा है ये, ठीक है। तो लेकिन पहला प्राइमरी स्टेप तो हमारा यही बनता है कि डायरेक्ट अभी ये 300-400 तक ले रहा था, आपने देखा होगा मैंने DC सेट किया है यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो अभी ज़्यादा ले रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो यही निकालेंगे VBAT का, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे थर्ड फोर्थ लेयर जो है वो गया हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो पहले ये शॉर्टिंग हटाएंगे। ये शॉर्टिंग क्यों है गाइस, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड जो है वो डीप कर गया, आप देखो। तो मे बी पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे जो है ना कोई मतलब, अगर ये लेयर की इंफॉर्मेशन होती तो पता चलता, लेकिन हो सकता है सेकेंडरी थर्ड लेयर में कोई भी VBAT जो है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ना स्क्रैच करेंगे, वहाँ पे लेयर अलग करने की कोशिश करनी है आपको। तो मैं यहाँ पे ब्लेड के थ्रू जो है ना 11 नंबर के ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच करता हूँ और लेयर को अलग करने की कोशिश करता हूँ, ताकि VBAT की सप्लाई जो है वो निकल जाए। और VBAT की सप्लाई के बाद भी ये फ़ोन ऑन होगा या नहीं वो तो आप वीडियो में बने रहो, चेक करने वाली बात होगी, क्योंकि जो कंडीशन है फ़ोन की उसके अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर जो है ना वो मुझे बैड डैमेज लग रहे हैं। और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो में बने रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्लीन करते हैं। एज अ टेक्नीशियन गाइज, आप मेरी वीडियो से टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो। देखो सक्सेस रेट तो ऐसा हो नहीं सकता हर फ़ोन को हम रिपेयर कर ले, और यहाँ पर जो है ना वो जैसे मतलब कुछ यूट्यूबर लोग बहुत स्पेशली वीडियो बनाते हैं कि कर जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ गाइस कि वो कर जाते हैं क्योंकि उन्हें शो ऑफ करना है वीडियो में, ठीक है। कस्टमर को हैंडल करना है एज अ शॉप, आपको अपना प्रॉफिट भी जनरेट करना है, तो आप एक फ़ोन के पीछे उतना टाइम दो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। यहाँ पे शॉर्टिंग मिल गई है गाइस, नीचे जो लेयर है वो शॉर्ट था ग्राउंड के साथ, क्योंकि अपर लेयर जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं थर्ड लेयर जितना मैं माइक्रोस्कोप में देख पा रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे होगे, मैं यहाँ साइड एंगल से भी देखता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को पता चल रहा है कि थर्ड लेयर जो है ऊपर से थर्ड लेयर में वो VBAT की पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं VBAT की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, ग्राउंड तो दिख रहा है, बट देखो ये सब प्रॉब्लम होती है क्योंकि मल्टीमीटर का साउंड नहीं आ रहा है, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वीडियो,
बट जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो शायद आपको यहाँ पे OL आ रहा है, इट मीन कि मुझे वी बैड नहीं मिला। मैं एक प्रोब जो है ना वो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे रखा हूँ, दूसरे से चेक कर रहा हूँ कि वी बैड दिख जाए कहीं, बट वैसा कुछ दिखा नहीं है। और आप देखो मैंने इतना जूम मारा है कि मेरा जो है नीडल जो मल्टीमीटर का है वो बहुत बारीक है गाइस, लेकिन फिर भी इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन शॉर्टिंग जो है वो चली गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैक पत्रा ओपन किया क्योंकि फ़ोन ऑन नहीं हुआ था। ठीक है, और वो डायरेक्ट कंज्यूमर जो ले रहा था एम्पेयर वो नहीं लिया, तो मैंने इस पत्रे को ओपन किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कंडीशन है बोर्ड की। इतना कुछ डैमेज होने के बाद ये फ़ोन को बनाने का कुछ मतलब नहीं है। आप एज ए यूट्यूबर्स जो है अगर आप देखोगे कुछ लोग ये बना भी देते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका कोई सक्सेस रेट नहीं है। ये आपकी शॉप का नाम जो है ना वो ख़राब करेगा, क्योंकि नॉर्मली आप रिपेयर करके दोगे, आज कुछ और प्रॉब्लम आएगी, कल परसों कुछ और, तो ये लगा रहेगा। लेकिन आपको क्या है, यूट्यूबर या फिर जो भी प्रमोट करते हैं वीडियो को इंस्टीट्यूट वाले, वो आपको इस फ़ोन को रिपेयर करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना टाइम के लिए कस्टमर आपको पे भी करना चाहिए, नहीं तो करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे काम है ना। अगर जनरली ये सोच के किया जाए कि मैं इस फॉल्ट को रिपेयर ही कर लूँगा तो ठीक है, आप 99% चांस करोगे, लेकिन उस 99% में आप कोशिश कर रहे हो और वो कोशिश के पैसे आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो ये बात होती है, बट इंस्टीट्यूट वालों को कोशिश के पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो वीडियो में आपको जो है ना ये बातें नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लीन वगैरह तो कर लिया। अब देखो सारे कैपेसिटर का वन साइड जो है वो डैमेज दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ना शॉर्टिंग है गाइस, ये जो बक का वोल्टेज है, यहाँ पे जो है बक की लाइनें हैं ना, इनमें शॉर्टिंग है। ठीक है, तो अब ये शॉर्टिंग को निकालने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए। वैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करके इतना चेक कर रहा हूँ गाइस, अदरवाइज़ मेरा कोई मकसद नहीं है इस फ़ोन को रिपेयर करने का, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि ये फ़ोन नहीं होने वाला। ठीक है, अब इतना वाटर लॉस इसके अंदर हुआ है तो नॉर्मली CPU MMC करनी पड़ेगी। और देखो ये फ़ोन को रिपेयर दो चीज़ों पे कर सकते, कस्टमर इसको फेंक दे, किसी बंदे के पास ये फ़ोन जाए वो इस फ़ोन को रिपेयर करके रीसेल करे मार्केट में तो वो ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर लेगा, बट कस्टमर उतना इन्वेस्टमेंट इस फ़ोन पे नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कस्टमर नहीं करने वाला, बट मैं फिर भी एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेसिंग की जाती है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन शॉर्टिंग है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि मेरे इस साइड वाली IC में जो लगी है L501 इसमें प्रॉब्लम हो। तो देखो प्रॉब्लम जो हो सकती है या तो हमारे PM में हो सकती है या तो CPU में हो सकती है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें PM को जो है ना वो उतारना पड़ेगा, या मैं ये कॉइल को भी निकाल के चेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PM को उतारूँगा। तो गाइस देखो मैंने PM को अभी उतार लिया है और उतारने के बाद भी जो शॉर्टिंग है वो बनी हुई है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये शॉर्टिंग जो है वो CPU में ही हो सकती है या फिर कोई कंपोनेंट होगा जिसके ऊपर शॉर्टिंग होगी। तो मैं क्या करूँगा, उन कंपोनेंट को यहाँ पे जो है ना चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे हमें एग्जैक्टली मिल जाए पॉइंट जिनमें शॉर्टिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिट मैप को ओपन किया है, DZKJ टूल्स को, और इसमें मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो CPU पे काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक किया बट ऐसा कोई पॉइंट मिला नहीं जिस पे मैं ये बोल सकूँ कि शॉर्टिंग है यहाँ पे। तो फाइनली यही ना मैंने क्या किया, इसका जो है ना वो CPU का पत्रा कट किया, क्योंकि CPU के पत्रा कट करने के बाद CPU के पास क्या कंडीशन है वो भी चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अच्छे से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कुछ तो देखो यहाँ पे जो है ना मैंने अभी पत्रे को जो है वो निकाल लेता हूँ, मैं ये जो पत्रा है इसमें निकाल लिया और यहाँ पे भी आप देखो तो वाटर लॉग्स काफी दिख रहे हैं। तो अब ये वाटर लॉग्स दिख रहे हैं तो इट मीन कि ये प्रॉब्लम जो है ना मे बी अभी तक जो मतलब फाइंड आउट किया मैंने, यहाँ पे आप देखो शॉर्टिंग है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, तो हो सकता है इन चीजों से भी हो। तो इसको क्लीन करके चेक करेंगे और क्लीन करने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो मैं अच्छे
हफ्ते से पहले जो है ना इन चीज़ों को देख लेता हूँ कि मैंने जो पतला निकाला है उसकी वजह से कोई ट्रैक वगैरह डैमेज तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तो ट्रैक कुछ डैमेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे जो है ना क्लीन करना है, मैं काम करूँगा पहले। क्लीन करने के बाद जो है ना इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं अच्छे से, और उसके बाद जो है ना चेक करेंगे कि क्या कंडीशन होती है नीट एंड क्लीन करने के बाद। तो गाइस नीट एंड क्लीन करने के बाद जो है ना मैंने जिस शॉप से ये फ़ोन आया था उस शॉप से बात की कि इसमें सीपीयू के ऊपर काम करना पड़ेगा और ये है, बहुत रेयर केसेस है कि ये चलेगा। और देखो मैं अपने कस्टमर को हमेशा हकीकत बता ही देता हूँ कि देख मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि कितना दिन चलेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो सारी चीज़ों को बताने के बाद जो है ना उस शॉप वाले ने मना कर दिया इस फ़ोन को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में बताई है मुझे उम्मीद है कि आपको वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं ये फॉल्ट को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लगातार अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।